जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ओजस करेंट अफेयर्स पर। चलिए एमपीपीएससी के 12 जनवरी को होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सेवारत लगभग 850 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी, दक्षिण सूडान। हाल ही में किस भारतीय को ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो हाल ही में किस भारतीय को, है ना, तो रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा को ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और किस राज्य के बीच मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित मुद्दे के समाधान हेतु 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन है ए, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है? तो टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड चुना गया है, ठीक है। सेकंड नंबर पर है ओपेली मेजनो और थर्ड नंबर पर है सुमन राव, है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्य की पुलिस देश की सातवीं ऐसी पुलिस बनी जिसे राष्ट्रपति निशान से नवाजा गया? तो राष्ट्रपति निशान से ऑप्शन बी, गुजरात को नवाजा गया। सूचना और प्रसारण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना और प्रसारण सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है रवि मित्तल, ऑप्शन डी, रवि मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किस वर्ष के लिए नया बेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? 2020, किस वर्ष को पूछा है? तो 2020 में। किस राज्य पुलिस ने ट्रैकिया नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू किया? तो किस राज्य में पूछा है, हरियाणा में, ऑप्शन ए, हरियाणा। कृषि तकनीक के हस्तांतरण के लिए ICAR ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए, नाबार्ड के साथ समझौता किया है। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2007 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को उनके गैर कानूनी आपातकाल के लिए मृत्युदंड दिया गया? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को, ठीक है। भारत को जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में किस स्थान पर रखा गया था? भारत को जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में किस स्थान पर रखा गया? तो 112वें स्थान पर, ठीक है, 112वें स्थान पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विदेश मंत्री ने 72 साल पुराने त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा की मांग की? किस देश के विदेश मंत्री ने, ठीक है ना, 72 साल पुराने त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा की मांग की? तो है ऑप्शन है डी, नेपाल, ऑप्शन डी, नेपाल, ठीक है। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से 2 किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस का, ठीक है, ब्रह्मोस। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश भारत है, ऑप्शन ए, भारत। भारतीय सेना का अगला सेना प्रमुख कौन होगा? मनोज मुकुंद नरवणे। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त सेना अभ्यास का नाम क्या था? सूर्य किरण, ऑप्शन बी, सूर्य किरण। फास्टैग के अनिवार्य कार्यान्वयन के लिए नई विस्तारित तारीख क्या है? 15 जनवरी, ऑप्शन डी, 15 जनवरी। फास्टैग के अनिवार्य कार्यान्वयन के लिए नई विस्तारित तारीख है 15 जनवरी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 4.9%, ऑप्शन सी, 4.9%। दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए 2019 DSC पुरस्कार किसने जीता?
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ना, तो ये अमिताभ बागची ने जीता है, अमिताभ बागची। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद।